हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 17। आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे ये चैलेंज को, एंड रोज़ आपको नए टिप्स मिल रहे हैं, आप कुछ ना कुछ नया इंक्लूड कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में। लेकिन कई लोगों को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो खुद नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको मेरी गाइडेंस की रोज़ ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा एंड आप मुझे कॉल करके प्रॉपर अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनवा सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलें। एंड अगर आप डिटर्मिंड हैं तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड आप अगर मेरे पास आते हैं तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी मेरे प्रॉपर हैंड होल्डिंग से चलते हैं, उनका मैं सारी जो वेट इशूज़ हैं उनको भी मेनटेन करवा देती हूँ। उसके साथ में PCOD, PCOS, थायरॉयड, BP, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ इशूज़ जो हैं वो सिर्फ आपका डाइट से ठीक करवाती हूँ। सो अब बात करते हैं आज की चैलेंज में। जो मैं टिप देने वाली हूँ वो है कि मेंटेन अ डायरी। सो जो भी आप खा रहे हैं, नेम ऑफ द फ्रूट, नेम ऑफ द वेजिटेबल, जो एनीथिंग जो भी आप मुँह में डाल रहे हैं उसको आपने एक डायरी में लिखना है। एंड आप देखेंगे कि अनकॉन्शियसली आपके मुंह में कुछ गड़बड़ जा रहा होगा दिन में। कई बार होता है कि बच्चे कुछ छोड़ देते हैं, हम वो खा लेते हैं, या कुछ साथ में पड़ा होता है, कभी ड्राई फ्रूट पड़ा है या मूफलियाँ पड़ी हैं, कुछ नमकीन पड़ी है, तो हम अनकॉन्शियसली उसको मुंह में डाल लेते हैं और हमें पता नहीं चलता और हम सोचते हैं कि हम एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं एंड हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो दिस इज़ द रीज़न, इसलिए डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा इसका बेनिफिट नहीं है, बट इट्स रियली बेनिफिशियल। आप एक बार ये उसको मेंटेन करके ज़रूर देखिएगा एंड उसे आप सेंड कीजिएगा ग्रुप में। मैं आपकी डायरी ज़रूर उसको रीड करूँगी एंड जहाँ पे भी आपकी गलती होगी मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू अचीव योर गोल। एंड अगर जो भी सीरियसली कर रहा है तो उसको डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सो जुड़े रहिए फॉर 21 डेज एंड देखते रहिए मेरी वीडियो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। बाय बाय।